देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बहुत छोटा सा वीडियो है, देख लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आप अपने लोगों को शेयर करेंगे, उनको इसकी नॉलेज मिलेगी, लोग इस पर बात नहीं करना चाहते, ठीक। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे ये ट्रांसमिट हो सकता है, कैसे आप इससे बच सकते हैं, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। HIV, जैसा कि थंबनेल पर लिखा हुआ, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, डिफिशियंसी वायरस है, इम्यून सिस्टम को कम कर देता है हमारी बॉडी का, ठीक। उससे होता है बाद में एड्स, एड्स होने के बाद बचता नहीं कोई। HIV रहते हुए भी आप सर्वाइव कर सकते हैं 2-4, 10 साल, 20 साल, 15 साल, जो भी, लेकिन अगर एक बार एड्स हुआ तो फिर उसके बाद 1.5 साल, 2 साल सर्वाइव करना 6 महीने बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी और वो ठीक नहीं होंगी, और उसमें इम्यून सिस्टम उसको ठीक नहीं कर पाएगा, ठीक, और आदमी की डेथ हो जाती है। तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये फैलता कैसे है, सिंपल भाषा में फैलता कैसे है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या यही कि और भी बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, तो इसका हमने एक नाम दिया, मतलब हमने नहीं दिया, जैसा कि मेडिकल टर्म में कहा जाता है STDs, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, ठीक। तो ये इनके जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं, इन्हें को हम वेनरल डिजीजेज भी कहते हैं, गुप्त रोग वेनरल डिजीजेज कहते हैं, और RTI यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक। ये तीनों नाम सेम है, ये तीनों नाम क्या है, सेम है। ये फैलते कैसे हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो इस तरह के, जैसे इसमें बहुत सारे डिजीजेज आ जाते हैं, जैसे सिफिलिस है, जेनाइटल हर्प्स है, ठीक है, हर्पीज कहते हैं कुछ लोग, जेनाइटल हर्प्स है, HIV है, हेपेटाइटिस भी, और बहुत सारी STDs होती हैं, ठीक है, डिजीजेज बहुत सारी होती हैं। हमने कुछ ही लिखा है, ये सीक्वेंस में कुछ और वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम सब आपको समझाते हैं। तो ये कैसे ट्रांसमिट होती हैं, तो एक्चुअली क्या होता है, जो STDs होती हैं, तो ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक से फैलने वाला इन्फेक्शन है। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर लिख दिया, जो ये पैथोजन होते हैं, बैक्टीरिया या वायरस, ये होते हैं, पैथोजन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेजाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, वेजाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो सीमन में प्रेजेंट होते हैं, मेल सीमन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो इनके थ्रू एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब सेक्सुअली इंटरकोर्स अनप्रोटेक्टेड होता है तो वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, यानी कि जब विदाउट कंडोम या अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी कि सेक्सुअली इंटरकोर्स के थ्रू ये क्या करते हैं, ये फैल जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, क्योंकि उसमें वेजाइनल फ्लूइड और सीमन में ये पैथोजेंस पाए जाते हैं, ठीक। अब देखिए होता क्या है कि ये जो STDs होती हैं बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसमें से 3 ऐसी हैं, ठीक है, जिनको बाद में पता चलने के बाद भी हम उसका इलाज नहीं कर सकते, हम क्योरेबल नहीं है, नॉन क्योरेबल डिजीज़। उसमें से 3 जरूरी हैं आपको जानना, जेनाइटल हर्पीज, HIV और हेपेटाइटिस बी, यानी जेनाइटल हर्प्स, HIV और हेपेटाइटिस बी, ये 3 ऐसी हैं जो नॉन क्योरेबल हैं, अगर इनिशियल स्टेज में पता भी चल जाए तो हम उनको ठीक नहीं कर पाते हैं, ठीक। बाकी चीज़ें सिफिलिस हैं, बहुत सारी और भी हैं, गोनोरिया, बहुत सारी डिजीज है जो आपको हम नेक्स्ट, मतलब इसके बाद जो भी वीडियो आएगा बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तो वो हम इनिशियल स्टेज पर अगर हमको पता चल जाए तो हम उसको क्योरेबल होती है, ठीक कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये 3 ऐसी डिजीज हैं जो पता चलने के बाद भी, जो पता चलने के बाद भी हम उनको जो है क्या कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं, तो इनकी जानकारी ही बचाव है, ठीक। अब देखिए ये STDs से तो फैलती हैं, यानी कि सेक्सुअली जब इंटरकोर्स होता है अनप्रोटेक्टेड तो ये तो फैलती हैं। बाकी ये जो है इसमें से 2, ये जो ब्रैकेट हमने लगाया है, ये ब्रैकेट वाली चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HIV और हेपेटाइटिस बी, ये एक वायरस होता है। HIV क्या है, ये यहाँ से लिखा हुआ वायरस है ये, ठीक, और ये हेपेटाइटिस बी, ये भी वायरल डिजीज़ है, वायरस से ही फैलता है। तो ये जनरली ये क्या है, ये लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम जैंडिस, बाद में पीलिया, जब लीवर काम करना बंद कर देता है तो ब्लड में बाइलीरुबिन, बाइलीवर्डिन ये घूमते रहते हैं, येलो कलर के सब्सटेंसेज, और हमारा नाखून, आँख सब पीला हो जाता है, तो ये लीवर की कमी की वजह से, ठीक, तो उसको हम पीलिया बोल देते हैं। तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस कई तरह की होती है, उसमें से बी बड़ी खतरनाक होती है, जैसे अल्ट्रावायलेट ABC जो भी रेडिएशन निकलते हैं उसमें से बी बड़ी खतरनाक होती है, सबसे खतरनाक अल्ट्रावायलेट बी होती है, वैसे हेपेटाइटिस बी बड़ी ही खतरनाक वायरल डिजीज है, ठीक। अब देखिए ये जो दोनों डिजीज है, यहां से हमने कहा HIV और हेपेटाइटिस बी, ये इससे तो फैलती हैं, STDs हैं ये, और भी तमाम STDs के साथ साथ ये भी हैं, लेकिन ये 3 और तरीकों से फैल जाती हैं,
HIV और हेपेटाइटिस वी, क्योंकि इनका कॉमन रूट है, सेम रूट है फैलने का दोनों का। ये दोनों हमने क्यों लिया, क्योंकि इनका सेम रूट है, कॉमन रूट है फैलने का, तो इसमें से इनसे फैलती हैं, बाकी तीन और चीज़ों से फैलती हैं, जैसे ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से ये फैल जाती हैं, और इन्फेक्टेड निडल से, जैसे नशेड़ी लोग एक ने निडल लगाया उसके बाद दूसरे को सब्र नहीं हुआ बहुत कम टाइम में, हालांकि पैथोजन हवा में आते ही मर जाते हैं HIV के, लेकिन बाहर पैथोजन सर्वाइव नहीं कर पाता, लेकिन तुरंत निडल लिया, निडल के अंदर फ्लूड था, तुरंत लगाया, नसी की लत थी, चले गए। बचाने की जिम्मेदारी, फैलाइए वीडियो, आपकी है। देखिए इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, यानी कि जो मदर इन्फेक्टेड है HIV से या हेपेटाइटिस वी से, तो उसके पैदा होने वाले बच्चे को भी ये हो सकता है, अगर वो प्रॉपर टाइमली किसी प्रैक्टिशनर मेडिकल यानी कि डॉक्टर की देखरेख में अगर डिलीवरी नहीं हुई तो। ठीक, तो ये तीन रूट और भी होते हैं, जैसे ब्लड के डोनेशन से, इस टाइप के अगर टेस्टिंग नहीं की गई, ठीक, ये फैलते हैं। बाद में और भी वीडियो आएगा, एलाइजा बताएंगे, बहुत सारे टेस्ट भी आपको समझाएंगे कि HIV के लिए सबसे जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जैसे एलाइजा वगैरह क्या होता है, ठीक, सब कुछ बताएंगे। ठीक, अब देखिए, अब इसकी तो बात हो गई ये कैसे फैलता है, ठीक है, तो अब ये जो STDs होती हैं जिसमें सारी आती थी, तो STDs अगर मान लो इन दोनों को छोड़ करके, मतलब ये जो दोनों बीमारियां हैं इनको छोड़ दिया जाए, अगर इनिशियल स्टेज पर बाकी और बीमारियां हैं जैसे गोनोरिया सिफिलिस वगैरह हैं, तो ये अगर पता चल जाए तो उनको ठीक कर सकते हैं। ठीक, तो इनको पता करने का क्या तरीका हो सकता है STDs को, तो देखिए STDs जो होती हैं वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया पर, गुप्तांगों के ऊपर दाने छाले इस टाइप के निकल जाते हैं, दाने वाने, तो शुरुआती दौर में ये दाने निकल जाते हैं, वेजाइनल से कुछ फ्लूड डिस्चार्ज होता है, तो इससे हम पता पा लेते हैं, हम नहीं पता पाते हैं। जैसे कोई भी आपका मान लिया गायनेकोलॉजिस्ट है, आप उसके मिलेंगे जो फीमेल होती हैं, लेकिन ये इग्नोरेंस, ये जो लाज है या शर्म होती है, ये बहुत नुकसान पहुंचाती है, शुरुआत में किसी से बात नहीं करना, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया वायरस है ये फैलते चले जाते हैं ट्रैक्ट में, ये फैलते चले जाते हैं, तो इंटरनल जब कैनाल, मतलब अंदर जब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये लोग पैथोजेंस पहुंच जाते हैं तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। तो शुरुआत में हमने इग्नोर किया, इग्नोरेंस की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन आया, तो इग्नोरेंस की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आएंगे वो फिर क्या हो जाएंगे, बड़े खतरनाक, बचना मुश्किल, क्या क्या, देखिए सबसे पहले तो हो जाएगा पेल्विक रीजन में, ये हमारा पेक्टोरल रीजन, ये पेल्विक रीजन, कमर का रीजन पेल्विक, तो पेल्विक रीजन में क्या हो जाएगा, एक डिसऑर्डर हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, इन्फ्लामेटरी, यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर कहते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो नाल होती है रिप्रोडक्टिव, उसमें सूजन आ जाएगा, उस रीजन में सूजन आएगा, दर्द होगा, ये साइन है आपका कॉम्प्लिकेशन हो गया है, पैथोजन अंदर चला गया है, अभी तो बाहर था, ठीक करने की जरूरत थी, एंटीबायोटिक खाने की, डॉक्टर से नहीं मिले, अंदर चला गया। दूसरा क्या होगा, एबॉर्शन, अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसका एबॉर्शन हो जाता है। एबॉर्शन, देखिए एबॉर्शन के बारे में जनरली टर्म यूज किया जाता है, जैसे प्रेगनेंसी के लिए टर्म यूज हम लोग करते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए, और भी मेडिकल टर्म है, कंसीव मतलब प्रेगनेंसी, वैसे ही एबॉर्शन के लिए जो टर्म यूज करते हैं मिसकैरेज, तो मिसकैरेज कब होता है, जब 2.5 महीने से कम, मतलब 10 वीक से कम का जो फीटस होता है, छोटा सा मटर के दाने के बराबर, थोड़ा सा बड़ा जो बच्चा होता है, थोड़ा सा और बड़ा मटर के दाने से थोड़ा सा बड़ा, वो जब यानी कि लगभग 10 वीक 2.5 मंथ के अंदर में, जबकि फीमेल को उस समय तक पता भी नहीं चलता ठीक से कि वो प्रेगनेंट है, उस समय अगर बच्चा मर जाए पेट में तो ब्लीडिंग के थ्रू निकल जाता है, तो उस कंडीशन को मिसकैरेज कहते हैं। लेकिन जब यही बच्चा 5 महीने 6 महीने 7 महीने के बाद मरे पेट के अंदर, तो बिल्कुल उसी प्रोसेस से निकाला जाता है जैसे बच्चे को पैदा करने के लिए सीजेरियन ऑपरेशन करके यूट्रस का निकाला जाता है, वैसे ही हम निकालते हैं। तो मरे हुए बच्चे को जब पेट में से 5-7 महीने का निकाला जाता है, तो उसको हम स्टिल बर्थ नाम देते हैं, मिसकैरेज नहीं कहेंगे उसको, स्टिल बर्थ मेडिकल टर्म में नाम दिया गया है। तो ये दो टर्म हो गए, और STDs का जो कॉम्प्लिकेशन होगा, और ये तो दो चीजें हो गई, और क्या हो सकता है, कैंसर हो जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है गुप्तांगों के अंदर की चीजें जो होती हैं, जो उसका रास्ता है जहां से कैनाल होती है जो बच्चा जन्म लेता है, उस पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर हो जाता है, ठीक, और आदमी की जो भी होता है वो डेथ हो जाती है। अगला क्या था, मेल स्टरिलिटी, अगला क्या डिजीज, मेल स्टरिलिटी हो जाती है, जो मेल होते हैं वो बच्चा पैदा करने की क्षमता को खो देते हैं, उनमें स्टरिलिटी पाई जाती है, और भी कुछ और भी डिजीज ऐसी जो मेन कॉमन है कॉम्प्लिकेशन के बाद, तो पहले इलाज करवाना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये दोनों नहीं हो सकते, ये दोनों का मतलब ये तीनों नहीं हो सकते, ये दोनों का रूट और भी है, ये तीनों इलाज नहीं हो सकते, क्या जेनिटल हर्पीस HIV और हेपेटाइटिस बी, ठीक, बाद में इनका डेथ है, तो पहले से जान लीजिए तो ज़्यादा सही है। तो अब देखिए ये सारी चीज़ें हैं, अब आपको हम एक चीज़ और बताते हैं कि कैसे HIV नहीं फैलता है।
तो चाबी मच्छर काटने से नहीं फैलता, हाथ मिलाने से नहीं फैलता, क्योंकि अभी हमने बताया पैथोजेंस बाहर आते ही हमारे फ्लूड से, ब्लड से, सलाइवा से, सीमन से बाहर आते ही हवा में ये डेथ, मतलब इसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। तो पैथोजेंस बाहर ये मर जाता है, इस वजह से वो फैलता नहीं है। तो मच्छर के काटने से, हाथ मिलाते साथ, खाना खाने से, तौलिया इस्तेमाल करने से ये सब नहीं फैलते हैं, ठीक है। तो भ्रांतियाँ हैं ये, बिल्कुल आप इसको ध्यान दीजिए और लोगों को थोड़ा जागरूक करिए। अभी सीक्वेंस में वन बाय वन, बैक टू बैक कुछ और हम वीडियो बनाएंगे, इसको बहुत ध्यान से समझिए चीज़ों को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।